मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं स्टडी आईटीआई स्किल्स। इंजन या कोई भी मशीन या किसी भी वस्तु के लगातार काम करते रहने से उसके कंपोनेंट्स में कई प्रकार के डिफेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि पार्ट्स में क्रैक आ जाते हैं, पार्ट्स की सरफेस पर विभिन्न प्रकार के मार्क्स बन जाते हैं, पार्ट्स की सतह पर गड्ढे बन जाते हैं, उनमें बर एवं डेंट यानी चोट के निशान भी बन जाते हैं। इंजन या उसके पार्ट्स पर आने वाले ये डिफेक्ट्स कभी कभी इतने बड़े होते हैं कि इन्हें आंखों से सरलता से देखा जा सकता है, परंतु कई बार ये डिफेक्ट्स यानी क्रैक आदि इतने बारीक होते हैं कि इन्हें आंखों से सरलता से देखा नहीं जा सकता। कई बार क्रैक आदि पार्ट्स की ऊपरी सरफेस पर न आकर पार्ट्स की आंतरिक सतह पर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये पार्ट्स बाहर से देखने पर तो बिल्कुल ठीक नजर आते हैं, परंतु अंदर से लगातार कमजोर होते जाते हैं। यदि इन डिफेक्ट्स का सही समय पर पता ना लगाया जाए तो धीरे धीरे पार्ट्स के खराब होने से उनके फेलियर के कारण दुर्घटना की स्थिति बन सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि मटेरियल्स, पार्ट्स या सिस्टम के फेलियर से पहले ही इन डिफेक्ट्स का पता लगा लिया जाए एवं इन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं या आवश्यक होने पर फेलियर के पहले ही इन पार्ट्स को बदल दिया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को रोका जा सके। इन डिफेक्ट्स का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण यानी टेस्ट किए जाते हैं। परीक्षण की विधियों को मुख्यतः दो कैटेगरीज में बांटा गया है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स एवं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि डिस्ट्रक्टिव मेथड्स यानी ऐसी मेथड्स जिनमें टेस्ट किए जाने वाले पार्ट्स को नुकसान हो सकता है या वह पार्ट नष्ट भी हो सकता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स यानी ऐसी मेथड्स जिनमें कि टेस्ट किए जाने वाले पार्ट को नुकसान पहुंचाए बगैर ही उनमें डिफेक्ट्स का पता लगाया जाता है। आज के वीडियो में हम इन्हीं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग विधियों की स्टडी करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को शॉर्ट में NDT भी कहा जाता है। NDT बहुत सारी विधियों का एक समूह है जिसके द्वारा मटेरियल्स, कंपोनेंट्स या सिस्टम को नुकसान पहुंचाए बगैर उसकी प्रॉपर्टीज का मूल्यांकन करके उसके अंदर उत्पन्न होने वाले डिफेक्ट्स जैसे कि क्रैक्स आदि का पता लगाया जाता है। NDT को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन, नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन एवं नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन। NDT की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह टेस्ट किए जाने वाले कंपोनेंट की संरचना में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं करता, यानी कि यह टेस्ट किए जाने वाले कंपोनेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए NDT विधियां किसी भी प्रोडक्ट के मूल्यांकन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां हैं। इन विधियों के प्रयोग से समय एवं पैसे दोनों की ही बचत होती है। आइए अब जानते हैं कि NDT विधियों का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। आज के समय में लगभग सभी इंडस्ट्रीज में NDT विधियों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंजन एवं वाहन के विभिन्न पार्ट्स की टेस्टिंग के लिए, पावर प्लांट्स में प्रोपेलर, टरबाइन आदि की टेस्टिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन में विभिन्न स्ट्रक्चर्स एवं ब्रिज आदि की टेस्टिंग के लिए, इसके साथ ही विभिन्न मशीनों के पार्ट्स, कास्टिंग, फोर्जिंग एवं वेल्डिंग द्वारा तैयार विभिन्न प्रकार के ज्वाइंट्स एवं पाइप्स आदि की टेस्टिंग के लिए भी NDT विधियों का प्रयोग किया जाता है। NDT विधियों का प्रयोग बहुत ही प्रमुखता से वेल्डिंग आदि के द्वारा तैयार किए गए जोड़ों में लीकेज का पता लगाने के लिए किया जाता है। मेडिकल के क्षेत्र में एक्सरे, रेडियोग्राफी, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, एंडोस्कोपी आदि NDT विधियों के ही उदाहरण हैं। आइए अब जानते हैं कि NDT की कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं। वैसे तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यानी NDT विधियों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन यहां पर हम कुछ प्रमुख NDT विधियों की ही शॉर्ट में स्टडी करेंगे। 6 सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली NDT विधियां हैं, विजुअल टेस्टिंग, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एवं एडी करंट टेस्टिंग। आइए इनको एक एक करके शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। पहली मेथड है विजुअल टेस्टिंग। इस मेथड में बिना किसी विशेष उपकरण का प्रयोग किए ही
पार्ट्स को देखकर, सूंघकर या उसे स्पर्श करके उनमें डिफेक्ट्स का पता लगाया जाता है। इस विधि के द्वारा कंपोनेंट्स पर लगे हुए कट, उनमें आई हुई दरारें यानी क्रैक्स, उनकी सतह पर बने हुए होल्स या गड्ढे आदि का पता लगाया जा सकता है। दूसरी विधि है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। इस विधि को डाई पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन, लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन एवं पेनिट्रेंट टेस्टिंग भी कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः सभी प्रकार के नॉन पोरस मटेरियल्स जैसे कि मेटल्स, सेरेमिक, प्लास्टिक आदि की सतहों पर आए हुए क्रैक्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। लिक्विड पेनिट्रेंट मेथड का प्रयोग सभी प्रकार की फेरस एवं नॉन फेरस मटेरियल्स में डिफेक्ट्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः कास्टिंग, फोर्जिंग एवं वेल्डिंग द्वारा तैयार की गई सतहों पर डिफेक्ट्स का पता लगाने के लिए होता है। इस विधि का प्रयोग करके सतहों पर बारीक दरारें, उनमें लीकेज एवं छोटे छोटे गड्ढों का पता लगाया जाता है। यह विधि 6 चरणों में पूरी होती है। प्री क्लीनिंग में टेस्ट की जाने वाली सतह को साफ करके उस पर से ऑयल, पेंट, ग्रीस आदि को साफ करके अलग किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ पेनिट्रेंट में टेस्ट की जाने वाली सतह पर लिक्विड पेनिट्रेंट लगाया जाता है। पेनिट्रेंट को लगाने के बाद इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि यह पेनिट्रेंट बहकर दरारों में अच्छी तरह से भर जाए। इस समय को ड्वेल टाइम कहते हैं और यह ड्वेल टाइम 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हो सकता है। इसके बाद सतह पर से अतिरिक्त पेनिट्रेंट को पानी या अन्य किसी लिक्विड से धोकर साफ कर लिया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर डेवलपर लगाया जाता है। डेवलपर दरारों में से पेनिट्रेंट को खींच लेता है जिससे कि पेनिट्रेंट स्पष्ट रूप से नजर आने लगता है एवं दरारें भी स्पष्ट रूप से नजर आने लगती हैं। दरारों को बहुत स्पष्टता देखने के लिए इसका इंस्पेक्शन किया जाता है। इस सतह का इंस्पेक्शन व्हाइट लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट में किया जाता है। टेस्ट के उपरांत सतह को पुनः अच्छी तरह से साफ कर दिया जाता है। तीसरी विधि है रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। इस विधि में रेडियोग्राफिक रेज जैसे कि एक्सरेज या गामा रेज का प्रयोग करके डिफेक्ट्स का पता लगाया जाता है। इन रेज के द्वारा कंपोनेंट का फोटोग्राफ लिया जाता है जिसमें कि क्रैक्स आदि आसानी से नजर आ जाते हैं। यह विधि बिल्कुल हमारे शरीर की टूटी हुई हड्डी का पता लगाने जैसी ही है। एक्स रेज का उत्पादन कोबाल्ट 60 या अन्य किसी रेडियोधर्मी पदार्थ से होता है। गामा रेज का उत्पादन कोबाल्ट 60, इरिडियम 192, टेंटालम 182, सीएम 137, कैसियम 137 द्वारा किया जाता है। रेडियोग्राफिक टेस्टिंग के द्वारा हम क्रैक्स, इंटरनल पोरोसिटी एवं होल्स आदि का पता लगा सकते हैं। चौथी विधि है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। इस विधि को मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन भी कहते हैं। इस विधि के द्वारा अत्यंत बारीक क्रैक्स का भी पता लगाया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग लोह चुंबकीय पदार्थों जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट आदि में डिफेक्ट्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले टेस्ट किए जाने वाले पदार्थ पर लोहे के चूर्ण को लगा दिया जाता है। इसके बाद इस कंपोनेंट या ज्वाइंट को चुंबकित यानी मैग्नेटाइज किया जाता है। कंपोनेंट की सतह पर किसी प्रकार की दरार होने पर यह मैग्नेटिक फील्ड इस दरार में से लीक हो जाती है जिससे सतह पर फैलाए गए लोह कण इस दरार पर इकट्ठे हो जाते हैं जिन्हें की सरलता से देखा जा सकता है। जब टेस्ट की जाने वाली सतह पर लोह कणों को सूखा ही लगाया जाता है तो इसे ड्राई टेस्ट कहते हैं एवं जब इन लोह कणों को ऑयल में गीला करके लगाया जाता है तो इसे वेट टेस्ट कहते हैं। छठवीं विधि है एडी करंट टेस्टिंग। यह विधि विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित होती है। इस विधि में एक चालक तार की कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट प्रवाहित की जाती है जिससे इस कॉइल के चारों ओर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इस मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट के मान के बराबर होती है। टेस्ट की जाने वाली सतह पर यदि कोई डिफेक्ट होता है तो इस अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू चेंज होता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होती है जिसे मापकर सतह के ऊपर डिफेक्ट का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों एनडीटी आज के समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड टॉपिक है। एनडीटी के अंदर आजकल बहुत ही एडवांस विधियों का प्रयोग किया जा रहा है।
परंतु यहां पर हमने आईटीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस टॉपिक की बहुत शॉर्ट में स्टडी करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। यहां पर जो वीडियोस की लिंक दी हुई है आप इन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और साथ ही सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें एवं बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।